है एवरीवन, सो प्राइम एनजी सेटअप का ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि कैसे एक नया एंगुलर प्रोजेक्ट पे हम प्राइम एनजी को ऐड कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना पड़ता है। अगर आप वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो मैं कार्ड पे वो लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो कि प्राइम एनजी को एक एंगुलर प्रोजेक्ट पे कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, ये वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि प्राइम एनजी का किसी भी कंपोनेंट को आप आपका एंगुलर प्रोजेक्ट पे कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे कि प्राइम एनजी का अगर मैं यूआरएल पे जाता हूँ, प्राइम एनजी का जैसे कि ये हर एक कंपोनेंट को दिखाता है। मैं अभी कैलेंडर के ऊपर हूँ, अगर यहाँ पे देखता हूँ मैं एक बेसिक सा कैलेंडर मुझे दिखा देता है, डेट फॉर्मेट का भी आ जाता है, आइकन वाला यहाँ पे एक आइकन है, मतलब कि बहुत काइंड ऑफ कैलेंडर है हमारे पास। मल्टीपल मंथ्स जैसे भी मल्टीपल मंथ्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कुछ ज़रूरत पड़ा इस टाइप का कैलेंडर हो गया या फिर कैस्कड सिलेक्ट हो गया, जैसे कि ये एक ड्रॉपडाउन है इसके अंदर कैस्कड होकर और बहुत सारे कुछ आ जाता है, ये सब कोई भी चीज़ अगर आपको प्राइम एनजी से यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखने वाले हम ये वीडियो में। तो बेसिक चीज़ है कि अगर आपको किसी भी कंपोनेंट प्राइम एनजी का यूज करना है, जैसे कि आप लिस्ट से देख सकते हो, ये फिर कैलेंडर हो गया, कैस्कड सिलेक्ट हो गया, चेकबॉक्स हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हर एक आइटम का एक मॉड्यूल होता है, उसे लेकर हमें पहले एंगुलर प्रोजेक्ट पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे, ये किसी भी देखिए यहाँ पे कैलेंडर का हमें लाइक 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर हमें दिया है कि ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये दिखाता है कि हमें एक इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट को लेकर हमें तो ये मेरा एक एंगुलर प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है जिस पे प्राइम एनजी ऐड हुआ है। प्राइम एनजी ऐड कैसे करना है वो आप देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अगर मुझे अभी इसी प्रोजेक्ट पे यहाँ पे कैलेंडर चाहिए, एक कैसा कैलेंडर बेसिक सा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले क्या करूँगा, मैं पहले इंपोर्ट करूँगा। तो जो कैलेंडर मॉड्यूल को लेकर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कहाँ होता है, ऐप मॉड्यूल पे ही होता है। तो ये ऐप इसका एक बेसिक ऐप है जिसका मैं अगर आपका स्ट्रक्चर दिखा दूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इस पर, एक ऐप है, एक कंपोनेंट है डैशबोर्ड कंपोनेंट, एक ऐप मॉड्यूल ही है। तो यहाँ पर लेकर मैं कैलेंडर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दूँगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट डाल दिया, फिर ये जो कैलेंडर मॉड्यूल का क्लास है इसे लेकर मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट सारे में डाल दूंगा। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सो सेकंड स्टेप क्या करना है, तो जहाँ पे भी आपको एक कैलेंडर चाहिए तो आप वहाँ पे भी कैलेंडर ये वाला को ऐड करना होगा, ये टैग, और एक एनजी मॉडल देना होगा जहाँ पे आपका कैलेंडर पे जो भी वैल्यू सिलेक्ट होता है वो वैल्यू जाकर यहाँ रहेगा, होल्ड होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसे लेकर यहाँ की जगह लिख लेता हूँ टी कैलेंडर। ठीक है, ये वैल्यू का भी शायद मैं रखा हूँ, हाँ मैं रखा हूँ, आप चाहिए तो आपको आप हर एक मतलब कि अगर नहीं है, मैं इसे एम्प्टी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर वैल्यू है तो हम बोल सकते हैं इसे कि कैलेंडर वैल्यू, क्योंकि कैलेंडर जो भी होल्ड करेगा हम इस पे स्टोर करने वाले हैं ये वेरिएबल पे। ठीक है, इसे इनिशियल जस्ट ब्लैंक कर असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं हमें कैलेंडर मिल जाता है या नहीं। देखिए यहाँ पे इनपुट आ गया, यहाँ पे मेरा कैलेंडर भी ओपन हो गया, तो ये प्राइम एनजी का कैलेंडर मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। वैसे अगर कुछ और कोई यूज करके देखते हैं, कास्कड सिलेक्ट हो गया, अगर मुझे कास्कड सिलेक्टेड चाहिए तो सिमिलरली मुझे कास्कड सिलेक्ट का मॉड्यूल को उठाना पड़ेगा, लेकर हमारा ऐप मॉड्यूल पे डालना पड़ेगा कास्कड सिलेक्ट मॉड्यूल। फिर इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा, फिर क्या कर सकते हम यहाँ पे इसे उठा लेंगे कास्कड सिलेक्ट का मेन्यू आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ, पी कैस्कड सिलेक्ट हो गया, इसका एनजी मॉडल ये हो गया कि किस कौन सी वेरिएबल पे डाटा रह गया अगर डाटा सिलेक्ट होता है। फिर ऑप्शंस क्या आता है, क्या क्या कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास रेंडर होने वाला है। ठीक है, ये सभी है, अगर इसे हम देखेंगे करके ओके तो सिलेक्टर सिटी वन हमें एक वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा जिस पे जाकर डाटा स्टोर होगा जो भी हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लिया, फिर क्या करना पड़ेगा, कंट्री जारो भी अरे भी बनाना पड़ेगा जिसपे सारे हमारा लिस्ट रहेगा एक अरे क्या क्या वहाँ पे रेंडर होने वाला है। यहाँ पे कंट्रीज का अरे का ये सैंपल दिया है, इससे उठा लेते हैं। ओके, सो ये दिस आर इज इनकम्प्लीट। ओके ठीक है, ये आ गया हमारा कैस्केड सिलेक्ट। ओके, तो सिमिलरली अगर आपको चेकबॉक्स चाहिए, बहुत सिंपल है, चेकबॉक्स मॉडल उठा लो, फिर जो भी सेक्शन को आप जाएंगे, चिप्स हो गया, कुछ भी हो गया, ये देखो चिप्स क्या होता है, कुछ अगर यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, एंटर किया तो ये एक वैल्यू बन गया,
अगर इसे हमें करना है कैसे करेंगे ये भी थोड़ा करके देख लेते हैं। पहले चिप्स मॉड्यूल को उठा लेंगे, क्या करेंगे लेकर आप मॉड्यूल पर डाल देंगे चिप्स मॉड्यूल, फिर चिप्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देंगे, फिर क्या करना पड़ेगा जस्ट ई चिप्स ऐसा लिखना है हमें, यहाँ पे मैं लिख लिया नेक्स्ट पी चिप, फिर वैल्यूज को भी बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल, तो यहाँ मैं बना लेता हूँ कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ आ गया, ये आ गया चिप्स दिखते हैं कुछ मैं लिखता हूँ, इंटरप्रेस करने से ये एक एक चीप बन रहा है, बस सिंपल है राइट। ये डिलीट वगैरह हमें कुछ नहीं लिखना है, ये प्राइम मेन जी बना के देते हैं। सो ऐसे ही फॉर्म का जितना भी कुछ चीज़ है, तो आपको अगर रेटिंग चाहिए, रेडियो बटन चाहिए, प्राइम एन जी का सब कुछ वैसे ही यूज करना है, बहुत सिंपल है, इंपोर्ट करो यूज करो। तो नेक्स्ट और एक वीडियो हम करेंगे जिसमें शायद हम टेबल को देख लेंगे, क्योंकि टेबल एक इंपॉर्टेंट है जिसके लिए प्राइम एन जी मोस्टली लोग यूज करते हैं, वो टेबल ही होता है, एंड टेबल थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है कि कैसे आप यूज करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी टेबल, ठीक है। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद दिस वीडियो। Bye.